हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेकर फोर्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IVRS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कस्टमर केयर पर फ़ोन तो किया होगा और आपने ये गौर किया होगा कि जब आप फ़ोन करते हो तो आपको कस्टमर केयर से एक आवाज़ आती है कि हिंदी के लिए एक दबाएं, टू कंटिन्यू टू इंग्लिश प्लीज प्रेस वन। फिर जब आप ये दबाते हैं तो उसके बाद अगली आवाज़ आती है कि रिचार्ज के लिए एक दबाइए, इंटरनेट के लिए दो दबाइए, वगैरह वगैरह। आपने कभी ये सोचा है कि ये क्या होता है, ये आवाज़ कहाँ से और कैसे आती है? आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं छोटा था ना तब अक्सर ये सोचता था कि कहीं पर भी फ़ोन करो, हर बार ये लड़की फ़ोन क्यों उठाती है। तब लगता था कि लड़की की आवाज़ को रिकॉर्ड करके बार बार चला देते हैं। चलिए, तब तो मैं छोटा था, नहीं जानता था, आज जानता हूँ। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में कि IVRS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं IVRS का फुल फॉर्म। तो IVRS का फुल फॉर्म है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। यहाँ आपको इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक तरह का सिस्टम है जो वॉइस पर रिस्पॉन्स करता है। दोस्तों, ये क्या है? IVRS एक तरह का सिस्टम है जो आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है। जब कई बार आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो वहाँ के सिस्टम से आवाज़ आती है कि हिंदी के लिए एक दबाएं। जब आप एक दबाते हैं तो सिस्टम पता लगाता है कि कस्टमर ने एक दबाया है, का मतलब कस्टमर हिंदी में बात करना चाहता है। उसके बाद मेन मेनू होता है कि रिचार्ज के लिए एक दबाएं, इंटरनेट के लिए दो दबाइए, ट्यून के लिए तीन दबाएं। फिर जब आप एक दबाते हैं तो आपको रिचार्ज के आगे की प्रक्रिया बताई जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को IVRS कहा जाता है। तो IVRS काम कैसे करता है? तो IVRS दो तरह से काम करता है। एक होता है DTMF, जिसका फुल फॉर्म होता है डुअल टोन मल्टीपल फ्रिक्वेंसी, और दूसरा होता है ह्यूमन वॉइस। कहने को तो IVRS इन दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन IVRS में आज सबसे ज़्यादा DTMF का ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो मैंने बताया आपको DTMF, और दूसरा बताया था मैंने ह्यूमन वॉइस। तो ह्यूमन वॉइस की बात करें तो इसमें सिस्टम आप किसी भी काम के लिए यस या नो का जवाब मांगता है। जैसे आपने बैंकिंग में या किसी ई कॉमर्स में देखा होगा कि ट्रांजैक्शन या ऑर्डर करते समय आपसे ये पुष्टिकरण किया जाता है कि यस और नो का जवाब मांगा जाता है। तो अगर आप यस कहते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को या ऑर्डर को पूरा कर देता है, और अगर आप नो कहते हैं तो सिस्टम आपकी ट्रांजैक्शन या ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। अगला नाम आता है DTMF का, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया डुअल टोन मल्टीपल फ्रिक्वेंसी। ये क्या करता है? तो DTMF मल्टीपल साउंड फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। अगर आप गौर करें तो जब आप अपने डायल पैड पर एक दबाते हैं तो एक साउंड निकलता है, फिर जब आप दो दबाते हैं तो एक दूसरी फ्रिक्वेंसी में साउंड निकलता है। इसी तरह एक से दस तक हर की अलग साउंड फ्रिक्वेंसी होती है। इसी से ही DTMF सॉफ्टवेयर ये पता लगा पाता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया। DTMF सॉफ्टवेयर में पहले से ही इन बटन के ऊपर कुछ कमांड दी हुई होती है, जैसे कि अगर ग्राहक एक दबाए तो वो अपने फ़ोन में रिचार्ज कर सके, अगर ग्राहक दो दबाए तो वो अपने फ़ोन में बैलेंस चेक कर सके। DTMF सॉफ्टवेयर आपके डायल पैड के बटन की साउंड फ्रिक्वेंसी को पहचानता है। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि आपने एक बटन दबाया है या चार, ये आपको पता है, सिस्टम को थोड़ी ही पता होता है। तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा बटन दबाया है? तो इन्हीं अलग अलग साउंड फ्रिक्वेंसी से ही ये DTMF सिस्टम पता लगाता है कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया है। दोस्तों, आज के मार्केट में सभी बड़ी बड़ी कंपनियां IVRS का इस्तेमाल करती है। ऐसे में मार्केट में आई नई कंपनी भी IVRS का इस्तेमाल करती है, जिससे वो ग्राहक को लुभा सके। दोस्तों, एक बड़ी कंपनी के साथ करोड़ों लोग जुड़े होते हैं और उन्हें हर रोज़ कुछ ना कुछ दिक्कत भी आती रहती है, क्योंकि किसी भी टेक्निकल चीज़ में एरर आना बहुत ही स्वाभाविक है। ऐसे में वो कंपनी IVRS का इस्तेमाल करती है। जैसे जियो के पास पूरे इंडिया में करोड़ों ग्राहक हैं
और आप जानते हैं कि जियो के इंटरनेट में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। ऐसे में जियो के लिए इतने लोगों को संभालना नामुमकिन है। जियो चाह कर भी इतना स्टाफ नहीं रख सकता है। ऐसे में जियो IVRS का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कई लोगों की परेशानी बिना टेली ऑपरेटर के ही ठीक कर देता है। अगर फिर भी कोई बड़ी दिक्कत होती है तो ह्यूमन फ़ोन रिसीव करता है। तो यहाँ पर IVRS बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। तो दोस्तों IVRS यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। अब IVRS कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? IVRS बैंक में इस्तेमाल होता है, ई कॉमर्स प्लेसेस में होता है, ऑनलाइन सर्विसेज में भी इस्तेमाल इसका होता है, केबल ऑपरेटर में भी होता है, टेली कम्युनिकेशन में भी होता है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि IVRS का इस्तेमाल आप कैसे करें, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे। दोस्तों अगर आपकी भी कंपनी है, अगर आप भी अपने कस्टमर को बेहतर सपोर्ट देना चाहते हैं, तो आपको IVRS सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप IVRS सिस्टम चाहते हैं, तो IVRS सिस्टम आप भी लगवा सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर अगर आप IVRS होस्टिंग सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सी ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो आपको बहुत ही कम पैसों में IVRS सर्विसेज देती है। इसके अलावा आप खुद भी IVRS सिस्टम लगवा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा। अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, तभी आप खुद का IVRS सिस्टम लगवाइए, क्योंकि IVRS सिस्टम लगाना बहुत महंगा होता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है और आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, तभी आप IVRS सिस्टम लगवाइए, नहीं तो आप इंटरनेट पर IVRS होस्टिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको IVRS के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव देना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।